मेरी लाइफ का सबसे हार्ड ट्रैक है। जल्दी चल, जल्दी पुल पर जल्दी चल। विशाल कंडारी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कल सुबह हम उठे ना उठे वो पता नहीं, रात हम जाके रहेंगे भाई बता नहीं। यहाँ पे ना पहले गांव था, पूरा बह गया। आप देखो जितना बचा है, यहाँ पे भी लोग अपना ताला लगा के चलती है। हम थक जाएंगे, मिट जाएंगे, पर घोड़ा नहीं करेंगे। घोड़ा है खच्चर को तकलीफ नहीं देंगे। वो बात अलग है, हमारे पास पैसे नहीं है। गाइस मैं कहना चाहूँगा पेशन फॉलो करो, पेशन जोंगो की जगह पेशन फॉलो करो। हेपड़े मेरे मुंह गाइस, बहुत बुरी हालत हो गई, सांसें फूल गई, फेफड़ों को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ियां खड़ी हो चुकी है। और भाई बुरे हाल हो गए आज, बालों के तो छोड़ो, पूरे बुरे हाल हो चुके हैं। तो अभी हमें करना है ऐसे, कितने किलोमीटर का ट्रैक करना है भाई हमें? 13 किलोमीटर का। आज सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहे हैं, लगातार लगातार गाड़ी। और अब जाके गाड़ी थमी है, अब जाके पैदल ट्रैक होगा लगभग 14 से 15 किलोमीटर का। तो देखते हैं आज क्या होता है। डंडे वाले का आ गया भाई। तो भाई 270 या 280 किलोमीटर के आसपास हमने बाइक चलाई है, जिसमें से कम 230 मैंने चलाई होगी, 60-70 किलोमीटर मैंने चलाई। और भाई बुरे हाल हो गए, इसलिए चलाई बहुत बुरे हाल हो गए, बहुत बुरे हाल लिटरली। और मैं बताऊँ आपको, अभी कम से कम 14 से 17 किलोमीटर के आसपास का हमें ट्रैक करना है। पर जो मतलब एनर्जी है ना, एनर्जी ख़त्म नहीं हुई। तो पहले मैं भाई का रिव्यू ले लूँ कि जो KTM में आया हूँ कैसे लगा। आप दोबारा आना चाहेंगे KTM ड्यूक में? हैं KTM ब्लैक लिस्टेड भाई ने तो ब्लैक लिस्ट कर दी भाई। मेरे बहुत बुरी हालत हो गई थी पीछे बैठ के, मैंने चला ही देखता हूँ। और देखो तो गाइस अगर आप बाइक से आओगे ना तो 200-250 रुपये किराया नीचे खड़ा करने का। और जैसे भाई तो लोकल है तो हमें एंट्री मिल गई पुल पे बाइक चला के इधर अंदर आने की, ग्रामीण के साथ है ना। अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको कम से कम कितना किलोमीटर पैदल है वहाँ से पुल से नीचे? हाँ 3 किलोमीटर। वहाँ से कम से कम 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा आपको। तो वहाँ भी पार्किंग का पैसा लेते हैं? वहाँ भी पार्किंग का पैसा लगेगा। इससे अच्छा ऊपर ही दो, इससे अच्छा ऊपर ही दो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जंगली जानवर। 2 बजे बाद ऊपर आना मना है, 2 बजे के बाद ऊपर एंट्री मना है। पर अपन चल रहे हैं धीरे धीरे। गाइस हमने तो थोड़ा रिस्क ले लिया है एक्चुअली। क्या 2 बजे के बाद एंट्री नहीं है यहाँ पे, मतलब अपने रिस्क पे। आप ऐसा मत करना अगर सुबह आप चलोगे ना, क्योंकि अभी भी हमें इसमें 4 घंटे लगने हैं। अंकल मिले थे मुझे रास्ते में, कह रहे थे यार रिस्क मत लेना, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो घोड़ा ले लेना, घोड़ा खच्चर, वही सेफ्टी फर्स्ट है, कुछ भी आ सकता है जानवर। चारों तरफ देखो, और देखो मैं आपको दिखाता हूँ झरना, वो कितना प्यारा झरना गिर रहा है। देखो ऊपर से दिख रहा है आपको, जन्नत है भाई। वाहेगुरु के पास जाना है, बाकी उनके हाथ में। चलो हमें तो हिम्मत बटोर रही है सर, बाकी वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह। तो भाई सुबह से ऐसे चले हुए, और भाई का तो मुंह धोना है, कह रहा फेस वॉश दे दो। मैंने कहा भाई वो धो ले भाई, मैं भी ऐसे धो लूँगा बस अब जैसे तैसे। तो अभी हमारे पास मुश्किल से 2.5 घंटे हैं और 4 घंटे का ट्रैक है, जल्दी से जल्दी पूरा करना है। अंधेरा हो गया तो लग जाएंगे पूरे हाल। भाई बहुत बुरी हालत हो गई मेरी, सांसें फूल गई और फेफड़ों को तो पता ही नहीं क्या हो रहा, चक्कर से आ रहे। एक्चुअली सुबह तो कुछ खाया भी नहीं ऐसा, और 8-9 घंटे से तो वो बाइक ही घिसे हैं 280 किलोमीटर के आसपास। गद्दारी कर रहे गद्दारी, मुझे सारा वो उठा के लाया, इतनी ऊंचाई से लाया, इतना ऊंचा ट्रक करवा के लाया जबकि दूसरा रास्ता था वहाँ से। बदला ले रहा कौन से जन्म का बदला ले रहा मेरे से पूरे भाई जी। आराम से भाई, आराम से भाई जी, बहुत स्पीड में जा रहे हैं, वो भी नंगे पैर भाई, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए हमारे थोड़ा सा रेस्ट के लिए भाई। स्वर्ग नर्म नज़र आ गया मुझे भाई, इतने सीमें भाई इस बंदे ने मुझे भाई इतना बड़ा ट्रैवल करवाया, मैंने 280 किलोमीटर बाइक चलवाई और मुझे यहाँ ट्रैक करवा रहा है 14-15 किलोमीटर का, और मेरी बुरी हालत हो गई है। तेरे थकने लग रही बिल्कुल भी, मेरा बदला ले रहा तो
बैठा नहीं जा रहा कह रहा बैठा नहीं जा रहा, वो तो सुबह पता लगेगा कौन नहीं बैठ पाएगा कहाँ नहीं बैठ पाएगा। केटीएम में बैठा बीच भाई 200 किलोमीटर केटीएम में सोचो। चंदू लोग इतना मोटे मच्छर ने काट लिया डांस ने, देखा ये कहाँ काटा, वो भाई खून निकाल दिया, देखिए पूरा खून निकाल दिया यहाँ देख रहे। तो पहाड़ों में ऐसे ऐसे मोटे मोटे मच्छर होते हैं जिन्हें डांस कहते हैं, ये गाय बच्चों को खाते हैं पर यहाँ इसको खा रहे पूरा खून निकाल दिया पूरा निकाल के पूरा। तो भाई मेरे पे भी आ गया भाई, काट रहा बहुत तेज। तो गाइस हमारा नाश्ता हो गया है, मैगी और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अब शरीर में थोड़ी जान आ गई भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया लिटरली यार, चाय वाय पी थी एक या दो चाय पी थी और एक बंद खाया था छोटा सा। वहाँ सुबह स्टार्टिंग से बोलता आ रहा कि 10,000 रुपये किराया हेलीकॉप्टर का, 3,000 रुपये किराया हेलीकॉप्टर का। तो गाइस पैदल चल के और हेलीकॉप्टर देख के ये महसूस हो रहा है मुझे कि ज़िंदगी में एक आध करोड़ की कमी रह गई है जो पता नहीं कब पूरी होगी, मैं तो टूट गया। पाजी कितना रह गया आगे है? कितना रह गया? बहुत है अभी, बहुत है अभी, मैं तो टूट गया पूरा टूट गया भाई, मज़ा आ गया। ये मज़ा मैं हर इस हिंदुस्तानी को देना चाहता हूँ। कंडारी जी कैसा लग रहा है आपको ट्रैक? मैं कौन हूँ? शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज गाइज। मैं कहना चाहूँगा पेशेंट फॉलो करो, पेशेंट जो मैं कुछ देखा पेशेंट फॉलो करो, झेपट मेरे मुंह में आ गए। और ये एक ये है ना, इसने मेरा खून जला रखा भाई, खून जला रखा है हेलीकॉप्टर ने मेरा। 10 राउंड मार दिए इसने, मेरा एक राउंड कंप्लीट नहीं किया, 10 राउंड मार दिए। ये कहाँ की नाइंसाफी है। यहाँ पे हमारे खच्चर भाई घोड़े भाई रेस्ट कर रहे हैं पूरा। हम दोनों ने शुरू से डिसाइड किया था प्राण जाए पर वचन ना जाए, हम थक जाएंगे मिट जाएंगे पर घोड़ा नहीं करेंगे, घोड़ा या खच्चर को तकलीफ नहीं देंगे। वो बात अलग है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे तो वैसे नहीं है हमारे पास। गाइस मेरे अंदर एनर्जी आ गई एकदम से, वो देखो उधर देख रहे हो पूरी बर्फ ही बर्फ उधर हेमकुंड साहब, खुश हो गया था मैं देख के। ये देखो अभी चढ़ाई देखो, सीधी खड़ी चढ़ाई कैसे होगा यार, भाई मानना पड़ेगा यार खच्चरों का बेचारों का कैसे चढ़ते हैं इंसान को लेके साथ में। हमारे तो यहाँ चढ़ा नहीं जा रहा, अपना वजन नहीं ढाया जा रहा, अपना वजन। कंडारी जी बोलिए कुछ। कसम टाटा भाई भाई क्या यहाँ ऐसे सरप्राइजेस मिलते रहेंगे आपको। देखियो किसने काटा ये हमारे कांसा चीना। रास्ते में लोग मिल रहे हैं तो थोड़ा डिमोटिवेट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने बहुत लेट कर दी है, अंधेरा भी होने वाला है, और हमें लगा कि हमने 50% रास्ता कवर कर लिया होगा, बट भाई कह रहा है कि 30% ही हुआ है। ओ भाई क्या रिलीफ मिला है, सारी हड्डियाँ चढ़ गई, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट डॉक्टर भाई, सारी हड्डियाँ चटक गई, सारी बड़ा थकान निकल गई यार। तो चलो आज का ट्रैक तो फिर पहन तूफानी होने वाला है, बने रहना आज भाई ने नापर धर्मपुर से रानी पोखरी से सीधा कहाँ घंगरिया हिला डाला ना। तो भाई भाई बता रहे यहाँ पे ना पहले गाँव था पूरा बह गया, आप देखो जितना बचा है, यहाँ पे भी लोग अपना ताला लगा के चल दिए। इनका कहना है कि हमें उस वाली पहाड़ पर जाना है, वो वाला पहाड़ दिख रहा है बर्फ के नीचे। कल सुबह हम उठे ना उठे वो पता नहीं, पर आज हम जाके रहेंगे। देखो भयंकर क्या चल रहा है मामला, भाई गॉड मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। चंद्रा जी हमने देखा था भाई खतरनाक यार, वो पुल टूटा हुआ देखो, जो पहला पुल था ना टूट के देखो नीचे पड़ा हुआ, अभी नया पुल बना है भाई देख रहे हो क्या खतरनाक यार। मतलब सामने से देखने में इतनी तगड़ी फील आ रही है ना, मतलब जो एड्रेनलिन फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर। डर लग गया भाई एकदम से, भाग भाग के आ रहे नहीं। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हल्के से फिसले नदी में जाएंगे सीधा नदी में, तूफान की नदी में। तो भाई अपने को बहुत बहुत ध्यान से उठाना है। ओह
भाई साहब फील आ रही फील। ओ बहन तो भाई दूर चल रहे कसम भाई, और इतने प्यार रहे खतरनाक। मतलब यार वन इन लाइफ टाइम वाला मोमेंट आ रहा है, वन इन लाइफ टाइम वाला मोमेंट। अरे ठंडा बहुत हो गया अब लग रहा है मुझे ठंडा। जल्दी चल जल्दी पुल पर जल्दी चल। बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा यार। अभी तक तो गर्मी से हालत खराब होती, अब ठंडा लग रहा है जैसे तो पड़ जा रहे थे वो पहाड़ की तरफ। विशाल कंडारी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल चंद्रा जी की देनी पड़ेगी। मेरी लाइफ का ही सबसे हार्ड ट्रैक है, बोला तक नहीं आ रहा। रीजन देखो तुम क्या बोलने ना बोलने का। पानी भाई, और रेस लग रही है कहाँ की रेस लग रही है। चलो यार सब लोग आ रहे हैं लौट के, हम जा रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो गाइस मेरी हो गई हालत ख़राब, बहुत बुरी हालत। मतलब कि तुम सोच लो कि मैं बोलने के मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। अभी रात हो गई है, देखो हम जंगल में फंसे हुए हैं, पीछे वो बैठा भूत और मैं बैठा आगे। हाँ सत श्री अकाल, मज़ा आ गया भाई, मज़ा अल्टीमेट मज़ा। 13 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 25 किलो मैं वजन लेके और 20 किलो ऐसा इसका है। अभी हमारे पास ना जाला है ना कुछ है, जंगल ना पानी है ना कुछ है, एडवेंचर हो रहा है, फंसे पड़े हैं। शरीर से भाप कैसे निकल रही है, और शरीर से मेरी भाप निकल रही है इतना, पूरी मेरी जो स्वेट शर्ट है ना पूरी लिचुड़ के अगर निकाल दूँ ना भाई तो खतरनाक। पूरी गर्मी की मैंने गर्मी निकल, बुरे हाल हो गए, बुरे हाल। जो मतलब लाइफ मैंने इतना कभी पेन झेला नहीं अपनी बॉडी में इतना ये ट्रैक ने मुझे दिया है। बट एक तरह से अंदर था ना खुशी भी है, प्लस अगर चंदोला नहीं होता ना भाई माँ कसम ये ट्रैक नामुमकिन है। अगर पैदल करना हो एक दिन में सीधा देहरादून से इधर, बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई, बहुत बुरी। मतलब आज जो नींद आई ना भाई वो इस मेरी लाइफ की सबसे अच्छी नींद होगी, पर वो नींद भी 3 बजे टूट जाएगी क्योंकि 3 बजे हमें जाना है ऊपर हेमकुंड साहिब के लिए। अभी देखो हम कहाँ पे कैंप लिखा है, 10,000 फीट पे। बुरे हाल है भाई, बुरे हाल। देखो पहाड़ दिख रहे हैं, दिख ही नहीं रहे होंगे, बस कैंप दिख रहा है मुझे यहाँ, और हम हैं बस यहाँ पे। और रात के कम से कम 8:30 बज रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं जंगल के बीच में, तो बोला भी नहीं जा रहा इस टाइम। देख रहे हैं कैंप उधर, दिख रहे हैं छोटे छोटे कैंप। अब यहाँ से हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर जाना है। चंदोला जी पहुँच चुके हैं घंगरा गांव, और सबसे ख़तरनाक बात तो ये भाई ने दो बैग टांग रखे 25-25 किलो के, और मेरी तो हो गई हालत खराब। हेलो, मैं नीचे से बोल के आ रहा, अरे मोड़ पे अगले मोड़ पे, अगले मोड़ पे बस आगे मोड़ पे। अब तो ये है ना दुकानें चालू हो गई सर, आप लोग गुरुद्वारे में रहोगे क्या? पता नहीं ना, रूम तो मिल जाएगा। तो गाइस हम फाइनली घंगरिया पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप आज चंदोला जी पूरी फुर्ती में। ये अपना मार्केट है घंगारिया का, हैप्टिक सफर बोल सकते हैं इसे। और ये देखिए हमारे गंडारे जी के हाल में, ये हमारे गंडारे जी के हाल में। मुझे टच मत करो, ये मेरी बॉडी की, ये देखो इनके हाल। ये रूम मिला है हमें, लक्की को लखवा हो गया। अब कल सुबह शायद मुझे लग रहा है अकेला पूरा ट्रैक करना पड़ेगा आगे का। ये हाल हो रहे लड़के के, मैं तो क्या हूँ, पगला जट। स्टेटस तो खूब अच्छे लगाते हो भाई, जगह अपने पैसे नहीं है ना भाई, हेलीकॉप्टर के खिचर के भाई, मैं रिकमेंड करूँगा मत आना।
तो गाइस ये अपना रूम जहाँ हम रुके हैं, ये जंगलबाद के भोजन से हमें मिला है। ये मैंने स्पॉन्सर किया है रूम, ये भाई ने स्पॉन्सर किया है मेरे को यूट्यूब के थ्रू। ये वॉशरूम ऐसी जगह पे इतनी जटिल सरकमस्टेंसेस के बीच ऐसा रूम हमें मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ठंडा कितना हो रहा भाई? ठंडा होते मतलब कम कभी से छूट रही नहाना, क्या नहाएगा नाले? मौत 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 से डंगे लगता तो ये मैं तो नहाने जा रहा हूँ पहले भाई, मुझे नहाना पड़ेगा। नहा के दिखा, तू नहा के दिखा मुझे भाई, मैं बताता हूँ तुझे। अपन नहाएगा पता लग जाएगा तुझे, जा 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 तथास्तु।